दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह व शाम पैदा कर। किलोर से मैंने काफी सफर कर लिया है, मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज मैं वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ बनी वैली के खूबसूरत दूर दराज गांव, हिमाचल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक डुमिया किलोड़, बहुत ही खूबसूरत गांव है। नाजरीन, आज मैंने जो सफ़र करना है वो करना है कम से कम 50 किलोमीटर पैदल सफ़र, एक तरफ से 25 किलोमीटर और दूसरी तरफ से 25 किलोमीटर। बहुत दूर दराज गाँव है, बहुत खूबसूरत गाँव है, बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। सामने भी तो फिर हिमाचल में नाजरीन मौसम बहुत ही खराब है, मालूम नहीं किस वक्त फिर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाएगी। या नाजरीन, अभी मैं ग्लेशियर क्रॉस करने वाला हूं। नाजरीन, जब भी आपको मौका मिलता है घूमने का दूर दराज गांव में, तो आपको ज़रूर यहां पर दुनिया भर के चश्मे मिलेंगे। हमारी बनी वैली में खासकर इसके खजाने हैं। साढ़े 4 घंटे कंटिन्यू मुझे हो गया सफ़र करते हुए, फिर भी अभी मैं किलोड़ में नहीं पहुंच पाया। बड़े बड़े जंगल मैंने देखे यहां पर, हर किस्म के पेड़ हैं यहां पर। अगर इनको घाट भी जाना हो तब भी इनको एक दिन लगता है, सुबह जाना शाम को वापस आना, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है खासकर दूर दराज पहाड़ों में। मैं सर्च करता हूँ फिर आगे चलता हूँ, हद से ज़्यादा मुझे खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है। ये आप देख ही सकते हैं मेरे बैक साइड में, ये है किलोड़ गांव, कितना खूबसूरत गाँव है ये। साढ़े 4 घंटे मैंने सफ़र करने के बाद मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला हूं ना। इंसान अगर हिम्मत करे तो मंजिल मिल ही जाती है। गजब की खूबसूरती है नाजरीन यहां पर किलोड़ में, बहुत बड़ा पहाड़। ये इसकी पारली तरफ हिमाचल है, यहाँ से अगर हिमाचल जाना हो तो बहुत नज़दीक है। हमारे पहाड़ों में बर्फीली चिड़ियाँ भी होती है, आप हैरान हो जाओगे, ये हाइट पर होती है, ये बर्फ़ के साथ साथ ही नीचे आ जाती है और लाखों में होती है। नाजरीन, ये मेरे सामने घास है, इसको स्टोर करके रखा हुआ है सर्दी के लिए। ये गांव की एक तरफ क्या डिज़ाइन है इसका। मैं रूबरू हूँ किलोड़ में, 4.5 घंटे मुझे लगे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि इतना दूर दराज हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर साइड के एक तरफ पड़ता है किलोड़। सुबह 8 बजे निकला था और इस वक्त जो टाइम है 12:30 और 1:15 बजे का टाइम है। अभी मैं पूरे किलोड़ की व्यू दिखाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर है।
नाजरीन ये किलोड़ गांव के बिल्कुल नजदीक है चश्मा। बनी वैली का सबसे हाइट वाला गांव है और दूर दराज गांव है, काफी टेम्परेचर यहां पर हर वक्त डाउन ही रहता है। ठाकर किशन चंद जी हाँ ठेकेदार, मैं तरह खुरी लेकर दूध नहीं मिलता खाने को, वो आने से दर खाने से सुरहरु शाह खाने दाल नेता सो मल के दो चक्का खाए तेरे। आप देख ही सकते हैं ऊपर पहाड़ों पर काफी बर्फ गिर रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता इस गांव में भी बर्फ गिर रही है इस वक्त। ये है हमारे बनी वैली के दूर दराज गांव के कल्चर, दर्द भरी कहानियां होती हैं इनके पास, हर वक्त खुश मिजाज खुशनुमा चेहरा इनका होता है, 12 महीने बस ये स्ट्रगल करते हैं, हर दिन इनके लिए एक नया चैलेंज होता है। ये लोग शाहीन की तरह तूफानों से मुकाबला करते हैं, बस यही है लाइफ पहाड़ों की। नाजरीन अभी मैं किलोड़ विलेज में रूबरू हूँ और बनी वैली में जिस गांव में भी आप जाओगे ना, लोगों का जो मिजाज है खुश मिजाज और उनके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, चाहे
यहाँ पर कितना ही मौसम के साथ मुकाबला क्यों ना करना पड़े, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है, वही लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं जो लोग यहाँ दूर दराज गाँव में रहते हैं और नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ पानी लाना भी हो फिर भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यहाँ घाट भी जाना हो फिर भी 1 दिन लगता है, यहाँ अगर मार्केट जाना हो फिर भी 1 दिन लगता है सुबह शाम। तो यहाँ बहुत ही मज़ा है, गज़ब की खूबसूरती है, लोग अच्छे हैं, जहाँ भी जिस गाँव में जाता हूँ लोग हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। नाज़रीन हद से ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, हद से ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, मुझे किलोड़ में ही स्टार्ट हो चुकी है बर्फ़, और मैं बर्फ़ में ही अभी सफ़र कर रहा हूँ, ना मेरे पास छाता है, कुछ भी नहीं है, एक बैग है बस। किलोड़ से मैंने काफ़ी सफ़र कर लिया है, अभी तो बर्फ़ अंधेरा हो रहा है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है, कहीं रास्ता भटक ना जाए फिर मुश्किल है मेरे लिए गांव में पहुंचना। वीरान जंगल है, बड़ी हाइट है, पहाड़ है, उस पहाड़ को हमें क्रॉस करना है और अकेला हूँ बिल्कुल। अब वीडियो को करते हैं एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक्स कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।